रिमोट पे डाले। नहीं नहीं, आइए दोस्तों अपने 560 जो VFD है इसमें कैसे पैरामीटर डालते हैं इसके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं, तो बने रहिए साथ में। सबसे पहले इसको मैं रिमोट पे करता हूँ, यहाँ पे लोकल लिखा है, रिमोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ये सिंबल आया, डाउन 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 करता गया, ये पैरामीटर है आपका, ये सिंबल जब आपका दिख जाए इसके बाद आप इंटर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको 10.30, जैसे यहाँ 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 10 है, 10 आ गया, 10 पे जो है आपको इंटर करना पड़ेगा, 10.30 है। अब इस पर आप डाउन बटन प्रेस करते जाएंगे, 10.30 पे आना पड़ेगा, 10.30 पे 15 है। अब 15 को इसको मैं 14 मुझे करना है, तो एक बार इंटर करेंगे, फिर अब बटन पे जाएंगे, इसके बाद इंटर कर दिया, ठीक है, आपका ये 14 सेट हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको बैक करना है, ठीक है, अब ये 10 है, 10.30। अब 12.25 पे जो है 10 डालना है, 12.25, डाउन बटन प्रेस किए रहना है, 25 तक आ जाएगा, तो इंटर करेंगे, इस पर 10 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हमें चेंजेस नहीं करने हैं, एक बार फिर से इंटर कर दिया, ठीक है, बैक आ गया। अब 12.27 पे 4 mA, 12.25 है, 27 पे 4 mA ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर चेंजेस करना है तो ये साइड बटन साइड की प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। और 12.28 पे 20 mA, 20 mA ये भी सेट है, जैसे उसको सेट किया था ये देख सकते हैं। 12.29 पे 0 है, 12.28 है, 12.29 पे आपको 0, ये ऑलरेडी सेट है, इस पर हमें कुछ नहीं करना है, बैक जा सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो इंटर दबा के चेक कर सकते हैं, इंटर प्रेस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 12.30 पे 50 Hz जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, 12.30 पे 50 Hz फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑलरेडी सेट है, इस पर भी हमें कुछ नहीं करना है। 13 आएगा, एक बार बैक करते हैं, डाउन की प्रेस करते हैं, ओके करते हैं। अब 13.12 पे 3 पड़ा है, 13.12 पे 3 पड़ा हुआ है आपका, ये ऑलरेडी 3 सेव है इस पर, आप देख सकते हैं, ओके कर दिया, सेव हो गया, बैक करते हैं। 13.15, ओके, 13.15 पे 10 पड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इंटर करना है, देख सकते हैं, जैसे प्रीवियस में आपको बताया था, 10 है, कोई प्रॉब्लम है, सेट हो गया है। 13.17 पे 0, 13.17 पे 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ओके करते हैं। 13.18 पे 50 पड़ा है, 13.18 पे 50 पड़ा हुआ है आपका, ये भी ओके करके देख सकते हैं, ठीक है, सेट कर दिया। 13.19 पे 4 mA, 13.19 पे 4 mA, इस पे हमें इसको सेट करना है, साइड की प्रेस करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं, इंटर कर दिया, 4 mA, 13.19 पे 4 mA, 13.20 पे 20 mA, ये ऑलरेडी सेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 20.01 पे 20.01 पे अब एक बार बैक करना है हमें, 13 के बाद 20 को इंटर करते हैं, ओके करते हैं, 20.01 पे 1,
20.01 पे इस पर ऑलरेडी 2 पड़ा था, तो हमें 1 करना है, हमें 1 करना है इस पर जो है। ओके कर दिया। वन करना है 20.01 पे 1। ओके कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं ये ओके है। बैक करते हैं एक बार। 20.21 पे 1। 20.21 पे जाना है। ट्वेंटी पॉइंट टू वन पे यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, आपको 1 पे जाना है, इसको 1 कर देना है। इंटर कर दिया। बैक करते हैं। 28.11 पे 28 पे अब जाना है हमें। 28.11 पे 18 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 18th जो है 18 पड़ा हुआ है, तो 18 को एक बार ओके करके इंटर कर दिया। आपका ये पैरामीटर जो कि 15 पैरामीटर तक जो है ये सेट हो गया है। अब आप इसको बैक जा सकते हैं, इसमें होम पे आ गए। एक बार और बैक प्रेस करना है, आप होम पोजीशन पे आ गए हैं। तो ऐसे आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अभी ड्राइव का चला के हम टेस्ट करेंगे। लोकल रिमोट स्टार्ट स्टॉप बैक ओके। ठीक है, और आपको साइड में अगर देखना है कि इस पे एम्पियर कितना लोड है, परसेंटेज में चेक करना है, फ्रीक्वेंसी चेक करना है, ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं। तो हमें जो है